हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सो दीज आर द न्यू लॉन्च फ्रॉम फेसिस कैनाडा तो ये फाउंडेशन है और ये कंसीलर है तो सबसे पहले मैं फ़ाउंडेशन के बारे में बात करती हूँ सो दिस इज़ द फाउंडेशन ये इसी तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आता है ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है बस इस ये किसी भी कार्डवुड बॉक्स में नहीं आया था ये ऐसे ही आया था बस इसके ऊपर एक वो प्लास्टिक रैप था और मुझे ऐसे ही ये रिसीव हुआ था इसकी एम आर पी फाइव फोर्टी नाइन रुपीज़ है और इसकी एक्सपायरी एलेवन ट्वेंटी फोर तक है इसमें आपको ट्वेंटी फ़ाइव एम एल क्वान्टिटी रिसीव होगी और मेरे पास जो शेड है वो है एप्सल्यूट आइवरी ज़ीरो वन टू यहीं इसका शेड नेम दिया हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ये जो फाउंडेशन है इसमें आपको एस पी एफ़ थर्टी भी मिलेगा जो कि समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और ये थ्री इन वन फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तीनों का काम करेगा इसमें विटामिन सी एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स भी हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन ब्राइटनिंग तो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है इसकी पैकेजिंग भी अच्छी है तो मैं दिखाती हूँ सो so, ये इस तरह का पूरा सील होके आया था मैं इसको एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया था तो इसका जो टेक्सचर है ये ना ही ज़्यादा लिक्विडिटी है और ना ही ज़्यादा थिक है ये बहुत ईजिली ब्लैंड हो जाता है आपकी स्किन पर और ये बहुत अच्छा ग्लोई फिनिश आपको प्रोवाइड करेगा सी और बहुत ही अच्छा कवरेज भी प्रोवाइड करता है ये मतलब जा हाई कवरेज प्रोवाइड तो नहीं करेगा बट ये काफ़ी अच्छा कवरेज प्रोवाइड कर देता है बहुत ही इवन टोन आपकी स्किन को प्रोवाइड करेगा और ये बिल्कुल भी पैची नहीं है ना ही या बिल्कुल ड्राई होता है आपकी स्किन पे बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है मुझे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा लगा है मैं इसको लगा के मार्केट भी गई थी जहाँ पर इतनी गर्मी थी इतनी स्वेटिंग हो रही थी तब भी ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ और एज इट इज स्टे किया इसने काफ़ी टाइम तक स्टे किया तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है बिल्कुल भी इसको लगाने के बाद आपको खिंचा खिंचा महसूस नहीं होगा ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा और जैसे कि कभी कभी पैच हो जाता है फाउंडेशन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है बहुत ही इवन टोन आपको प्रोवाइड करेगा सी बहुत ही ग्लोई फिनिश आपको देगा तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है फेसेस स्कैंडा के वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं तो ये उनमें से एक बेस्ट प्रोडक्ट है डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और गाइस इसका कंसीलर भी बहुत अच्छा है तो कंसीलर कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है ये कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग है इसकी और ये फेस स्कैंड अल्टाइम प्रो एसडी कंसीलर ऑरेंज एंड विटामिन सी ये भी काफ़ी टाइम तक स्टे करता है ट्वेल्व आर्स ऑल डे स्टे बट मैंने उसको सेवन टू एट आवर्स तक ही मतलब चेक किया है तो ये काफ़ी टाइम तक स्टे करता है और ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी नीचे इसका शेड नेम दिया हुआ है ज़ीरो वन सेंड बेज और ये यहाँ पे फेसिस कैंडा लिखा हुआ है और इसकी एम आर पी फाइव फोर्टी नाइन रुपीज़ है और इसको आप ट्वेंटी फाइव तक यूज़ कर सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा है सो दिस इज़ द एप्लीटर और मेरे पास जो शेड है वो है सेंड बेज तो ये कुछ इस तरह का इसका टेक्स्चर है ये भी काफ़ी अच्छा कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा ये बिल्कुल भी आ, ये भी मतलब पैच ही नहीं होता है अंडर आइज़ में ये बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से जो कुछ कुछ कंसीलर सेट हो जाते हैं ये वैसे नहीं होता है ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी हैवी महसूस नहीं होता है बिल्कुल लाइट वेट है ये फाउंड सॉरी कंसीलर तो ये कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे लगे हैं फेसेस के एंड आके तो बताएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज़ थैंक यू